Hello friends, very good evening. Welcome to Online Theory Current Affairs 360 Degree Approach Show. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, हम पिछले कुछ दिनों में हमारा जो करंट अफेयर शो है कभी 6 कभी 7 बजे आता रहा है, बट हमारी कोशिश यही रही कि हम हमेशा आपको हर दिक्कत के बावजूद आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करें। सो दोस्तों आज हम आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कल से जो हमारा करंट अफेयर शो है शार्प 6 बजे आप लोगों के जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के ऐप या आप लोगों के डेस्कटॉप पे ज़रूर आ जाएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, कल से हम लोग फिर से 6 बजे जो है करंट अफेयर शो को जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की, जो कि आज डेट है 31 जनवरी 2019। तो उसके देखते हैं कौन कौन से मुख्य करंट अफेयर्स है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। सो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कल, जो नीलाक्ष सर ने आप लोगों से पूछा था वो ये था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल शो 2019 में किस देश ने बेस्ट इन शो के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है। सो विच कंट्री वन द एक्सेलेंस अवार्ड फॉर बेस्ट इन शो एट द न्यूयॉर्क ट्रैवल शो 2019। तो ये किसने जीता है, आपका भारत ने जीता है। किसने, तो इंडिया ने ये जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रुक करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एयर इंडिया ने इराक में किस जगह के लिए 25 साल बाद अपनी सेवाएं शुरू की। सो टू विच प्लेस डिड एयर इंडिया स्टार्टेड इट्स सर्विसेज आफ्टर अ गैप ऑफ 25 ईयर्स। तो कहां पे, तो ये नजफ के लिए जो है ये एयरलाइन ये सर्विस जो है एयर इंडिया ने 25 साल बाद चालू की। और नजफ जो है एक हिस्टोरिक सिटी है, क्योंकि ये शिया मुस्लिम्स का, आपको पता है मुस्लिम जो है दो में डिवाइडेड है, सुन्नी और शिया। तो सुन्नी के लिए फेमस कौन सा है, आपका सऊदी अरेबिया। तो शिया मुस्लिम्स के लिए नजफ जो है ये थर्ड होलीएस्ट सिटी है, और इसको हम लोग शियाज वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल भी बोलते हैं। और यहाँ पे इमाम अली मॉस्क है जो जिसके लिए नजफ जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें इराक की, तो ये देखिए ये रहा आपका इराक, ये एक मिडिल ईस्ट नेशन है। और इराक जो है आप देख सकते हैं साउथ में जो है आपका किससे है, साउथ में इसके कुवैत है, इसके ईस्ट में ईरान है, इसके नॉर्थ में आपका सीरिया है, और इसके वेस्ट में है जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। ठीक है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है टिग्रिस, जिसपे आपका जो है कैपिटल वहां का बगदाद जो है लोकेटेड है। किस नदी पे, तो टिग्रिस नदी पे। ठीक है, और ये रहा आपका अन-नज़फ, जो कि एक हिस्टोरिकल सिटी है, और ये जो है यूफ्रेट्स नदी पे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है बरहम सली, प्राइम मिनिस्टर है आदिल अब्दुल महदी, कैपिटल बगदाद और करेंसी है इराकी दिनार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ मिस है, तो ये कहाँ किया गया। सो वेयर वॉज द नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह म्यूजियम इनॉग्रेटेड। तो ये आपका, जी हाँ, जहाँ से सत्याग्रह चालू हुआ था तो वहीं इसका कल उद्घाटन हुआ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये गुजरात दौरे पे थे, तो उस दौरान जो है इन्होंने ये राष्ट्र को समर्पित किया। किसको, तो नमक सत्याग्रह संग्रहालय जो कि दांडी में खोला गया। और ये संग्रहालय जो है ये दांडी मार्च जो कि कब हुआ था आपको पता होगा, तो 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू हुआ था। ठीक है, और ये जो दांडी मार्च था इसमें 80 लोग जो थे, 80 पीपल्स थे। ठीक है, एंड ये किसके द्वारा नेतृत्व किए गए थे, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी द्वारा। और ये जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट था। ठीक है, और ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर किया गया था वो कितना था, वो आपका था लगभग 241 माइल्स। कितना था, तो 241 माइल्स जो है ये आपका डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये दांडी के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात यहां पे होती है कि ये कहने का मतलब कि किलोमीटर के हिसाब से ये कितना था, तो ये किलोमीटर के हिसाब से आपका कितना हो गया, तो आपका लगभग 385 किलोमीटर हो गया ये जो कि महात्मा गांधी ने मतलब कि कवर किया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि चौथे कार्नट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया।
So who was conferred with the fourth Carnot Prize for Energy Efficiency? तो ये किसे किया गया? तो जी हाँ, हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और ये कोयला मंत्री भी हैं, प्लस वित्त मंत्री भी संभाल रहे हैं, और प्लस आपका कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। कौन? तो पीयूष गोयल। तो इन्हीं को जो है चौथे कार्नट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो यहां देखिए, ये रहे हमारे पीयूष गोयल जी, और ये जो अवार्ड है हर साल ये क्लिनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया स्कूल ऑफ डिजाइन में बेस्ड है, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये इनके एनर्जी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है, जब ये पावर मिनिस्टर थे। और अभी पावर मिनिस्टर कौन है? वो है आपके आर के सिंह। कौन है अभी? तो आर के सिंह। ठीक है, तो इनको अवार्ड के रूप में $25,000 मिले, जो कि इक्विवेलेंट टू 18 लाख रुपीस होता है। इन्होंने ये जो अवार्ड मनी है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के दिवाकर सोलर अवार्ड को गठन करने के लिए दान में दे दिया। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अवार्ड है दिवाकर सोलर अवार्ड, ये गठन इसका गठन होगा, जिसको हम लोग दिव्यांग अक्षय ऊर्जा पुरस्कार के रूप से भी जानेंगे। और ये जो अवार्ड है उन ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड करेगा जो कि मतलब कि बच्चों और मतलब कि जो कि बच्चों के लिए काम करेगा, जो भी खास करके डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए काम करेगा, और प्लस जो है सोलार एनर्जी को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, तो ये आपका है दिवाकर अवार्ड। अब बात करें हम लोग किसकी, तो बात करें हम लोग कर्नट प्राइज की। तो कर्नट प्राइज जो है ये एनर्जी सेक्टर का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है, और ये जो है फ्रेंच फिजिसिस्ट निकोलस सादी कर्नट के नाम पे रखा गया है। और ये जो कर्नट प्राइज है, ये इन्होंने कर्नट ने जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था स्टीम इंजन के पावर का, तो इसीलिए ये अवार्ड दिया जाता है एनर्जी सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने रेल का भविष्य नामक रिपोर्ट जारी की? सो विच इंटरनेशनल एजेंसी रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फ्यूचर ऑफ रेल? तो ये किसने किया है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। और ये जो रिपोर्ट है अभी फर्स्ट एडिशन में, ये पहला ऐसा रिपोर्ट है जो कि फोकस्ड है किस पे? इंडिया पे। सो ये पहला रिपोर्ट है, और इस पहले रिपोर्ट में ही जो अटेंशन है किस पे है? भारत के ऊपर है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 30 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली बनाई जो विचारों को भाषण में अनुवाद करती है? सो विच यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट क्रिएटेड AI बेस्ड सिस्टम दैट ट्रांसलेट्स थॉट्स इनटू स्पीच? तो ये कौन है? तो ये है आपकी कोलंबिया विश्वविद्यालय या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इससे जो बोल नहीं सकते तो उनके लिए जो है ये काफी मददगार साबित होगी, या बोल सकते हैं वरदान साबित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो ये किसे नियुक्त किया गया? तो ये राकेश अस्थाना को जो है नियुक्त किया गया, जो कि भूतपूर्व क्या थे, ये CBI में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया गया है, और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी यानी कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इनके नियुक्ति के खिलाफ जो है एक याचिका दायर हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि NSSO के अनुसार 2017-18 वर्ष के दौरान भारत में बेरोजगारी दर क्या थी? सो व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2017-18 अकॉर्डिंग टू NSSO? तो ये किसके द्वारा है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो क्या दर रही? तो जी हाँ, ये रही 6.1% यह अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा, और ये 1972-73 के बाद से सबसे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो
अर्बन एरियाज में है वो है 7.8% और जो रूरल एरियाज में है वो कितना है 5.3%। तो ये एक ग्रिम रियलिटी दिखा रहा है कि जो ग्रोथ हो रहा है 7% का और जिस पे हम लोग हलाबुलो कर रहे हैं वो क्या है कि एक जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि जॉब क्रिएट नहीं हो रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सरकार इस एम्प्लॉयमेंट के प्रति जो है ईमानदार नहीं है, ये हम मान सकते हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार जो कि अब इलेक्शन जो कि सर पे है, उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका है एनएसएसओ का सर्वे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला, हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये है आपके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और बात करें एनसीसी की तो इसकी जो है ये 1948 से एक्टिव है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पे हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त होता है। और अब देखते हैं क्या, तो क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी। सो हु बिकेम द पाकिस्तान्स फर्स्ट हिंदू विमेन जज, ए प्रमिला कुमारी, बी सुमन कुमारी, सी जसप्रीत कौर या डी प्रिया कुमारी। सो दोस्तों आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है और हम इसका आंसर जो है कल आपको इसी समय जो है वीडियो के जरिए बताएंगे। सो तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो है शुभ रात्रि, अलविदा एंड गुड नाइट। थैंक यू।